कि पवन जी का है कि अगर तुम मेरी हो तो बस सिर्फ मेरी हो, बिल्कुल रहे के हो तो प्रेम से रहना, तो जो वाला हाल। चलो रहने पे ही बात कर लेते हैं, तुम आ जाओ, ऐसा है, अब पैसा लेना है या रहना है तुम आ जाओ, उसी पे बात हो जाएगी। तो आई नहीं वो, 5 घंटा पसीना बहा के 2 पैसा कमाता है, और इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती। तो पूरी पूरा हमने सुना कहानी शुरू से लेके अभी, लिया है वहां से क्या लेके, जो मान मिला, सम्मान मिला, दर्द मिला। और अगर इसको आप कहते हैं कि, और सुनिए, इतने गिरे हुए ना तो हम हैं और ना वो पवन सिंह। नमस्कार, देखिए बड़ी खबर है, बता रहा हूँ, पवन सिंह से मिलकर पाटलिपुत्रा स्टेशन पे उतर चुकी है बीना मानवी जी। आइए हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुआ है इनसे, हम जानेंगे। अच्छा रहा, सब चीज अच्छा रहा, पवन जी से जो मिले, 2 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला, तो सब चीज उनका अच्छा था। सारा चीज हमने पूछा, भाई रिश्ते छूट कैसे जाते हैं, तो मारते वरते वो नहीं है महिलाओं को, मारा पीटी वाली बात जो आई है वो झूठी है, क्योंकि उनकी कुछ पहले की मित्रों से भी हमने पूछा है। हाँ, कभी कभार धक्का उक्का दे दिया है उन्होंने, लेकिन हाँ, उनमें एक, उसे अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, कि पवन जी का है कि अगर तुम मेरी हो तो बस सिर्फ मेरी हो, बिल्कुल रहे के हो तो प्रेम से रहना, तो जो वाला हाल है। हाँ, तो वो तो हर मर्द चाहेगा, मुझे लगता है। तो पवन सिंह रखना चाहते हैं अभी? पवन सिंह जी रखना क्यों, अच्छा जब चाह रहे थे तब तो वो आई नहीं, अब है कि मामला इतना आगे बढ़ गया है, इतनी आप लोग सारे लोग यहाँ मर्द खड़े हो, हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं ना। अब उनका कहना है कि अब आप आई, दीदी मैंने माना, एक मौका मैंने दिया कि चलिए ठीक है, बुला लीजिए ज्योति जी को, बात कर लेते हैं। उसी चक्कर में हमारी फ्लाइट टिकट भी कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन की बनी कि नेक्स्ट डे ज्योति आ जाएंगी, और देखिए 3 दिन हम ट्रेन में टपला खाते हुए आ रहे हैं। तो तकलीफ तो हमें भी हो गई कि नहीं, अब ज्योति जी को था कि वो किन्हीं को साथ में लेके आना चाहती थी, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है उन्हें भी बुला लीजिए, फिर उन्होंने कहा नहीं पटना आने वाले हैं तो पटना में ही मीटिंग हो जाएगी। तब अब पवन जी बोले, अब मैडम यही करें हम कि दुआरिये दुआरिये जाके हम अपना घर का फरियोटा करें, मामला हमारा कोर्ट में है, अब नहीं वो आ रही है तो हम कोर्ट से ही समझ लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगा, किसका गलती, ज्योति सिंह नहीं चाह रही या पवन सिंह नहीं चाह रहा? देखिए, गलती किसी की नहीं है, दोनों अपने जगह, जब आप दोनों को सुनिएगा, अभी तक ज्योति को सुना था हमने, तो ज्योति को इमोशनली बहुत सपोर्ट किए हम लोग शुरू के दिनों में, उससे मिलने बनारस भी जाने की कोशिश की। अलग बात है कि ज्योति, ज्योति को प्रॉब्लम क्या है ना, ज्योति को महिला विकास मंच की हम लोगों पे भरोसा नहीं है, वो शुरू से ही देख रहे थे कि कोई भी बात उसे मैं समझा रही थी तो वो नेगेटिव में ले रही थी चीज़ों को। अभी भी जब हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और जिन्हें वो अपना वेलविशर मान रही हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो जाने के दिन की बात है, अगर देखिए इन लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं, कहिएगा सुना दें, अगर वीना जी जिस दिन जा रही थी उस दिन आपसे क्या बात हुई थी, उस दिन यही बात हुई थी कि जा रही हैं, 3 करोड़ पे मामला रेडी हो गया, एक फ्लैट उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए, आखिर वो रहेंगी कहाँ। तो मैंने कहा कि अरे 3 करोड़ में तो फ्लैट भी खरीदा जा सकता है। अब जब मामला, जब मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही थी तो मामला ये था, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँच गई और पहुँचने के बाद सारी चीज़ें उसी पे बात होने लगी, तब मैंने बोला कि अरे भाई 3 करोड़ दे ही रहे हैं तो एक फ्लैट के लिए काहे ऐसे। बोले हम प्रेम से, हमारा कोई 5 करोड़ ले ले, लेकिन हमसे इस तरह से ठगा हम महसूस अपने जीवन में नहीं करेंगे और माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो भी वो 25 लाख रुपये और बढ़ गए कि चलिए ठीक है दीदी, आपके नाम पर 25 लाख रुपये और दिए फ्लैट के लिए, दीपक जी ने कहा। और उसके बाद जैसे ही सारी बातें हो के रेडी हो गई, पता नहीं क्या मेरे मन में आया, हम बोले एक बार ज्योति को फ़ोन कर लेते हैं। फिर हमने फ़ोन किया वहाँ से, फ़ोन करने के बाद फिर दीपक जी बोले कीजिए, फिर भैया से पूछे, फिर वो भी बोले करो। उसके बाद सडनली उनका नहीं, मेरे को रहना है। तो हम बोले चलो रहने पे ही बात कर लेते हैं, तुम आ जाओ, ऐसा है, अब पैसा लेना है या रहना है तुम आ जाओ, उसी पे बात हो जाएगी। तो आई नहीं वो, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना चले आए। मतलब कि पवन सिंह रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? पवन सिंह जी का दिल अभी बहुत टूटा हुआ है, जितने रायते फैले हैं उनका ऑडियो वाला जो हिसाब किताब है उससे बहुत तकलीफ में है वो। और बोले बहुत सारी चीज़ ऐसी है ना, उनके घर के जो घर में लोग बैठे हैं, मान लीजिए 5 आदमी बात कर रहा है, वो भी वीडियो बनाना, वो भी बस उनको, उनके यही चीज़ से उनको नफरत है कि ऑडियो वीडियो। यहाँ तक की बात हुई कि अगर वो रहेगी तो एक बॉन्ड बनेगा,
10 पॉइंट आपका, 10 पॉइंट आपका, लेकिन उनको चेंज होना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन पवन सिंह ने तो पहले तलाक का पेपर अर्जी दिया था कोर्ट में। हाँ, तो झगड़े होते हैं तो आक्रोश में तो लोग देता ही है। झगड़े में एकदम डायरेक्ट कोर्ट में तलाक तक पहुँच जाना। अच्छा एक बात बताइए, रहना उनको है, रखना हमको। हम वहाँ क्यों गए थे? पवन जी का पक्ष जानने गए थे कि बात में सच्चाई कितनी है और क्यों इस तरह का मामला है। जब सुनने के बाद तो लगता है ना कि चलो, जब मेंटल मैच ही नहीं होगा तो भैया प्रेम से अलग हो जाओ। तो ज्योति सिंह जब आई, जब लगा उसको कि मेरा घर टूट रहा, तब तो आई मीडिया में, नहीं तो पहले कहाँ आई थी? नहीं, कुछ नहीं बोली ज्योति। कोर्ट में मामला सालों साल पहले से है। ज्योति जी तो अभी आई है, पता नहीं तो ये सब करने के लिए। कोर्ट में तो मामला चल ही रहा था। मिलाकर के क्या लगा कि पवन सिंह ज्योति एक बार फिर साथ होंगे या फिर दोनों तरफ जीतेंगे? नहीं, मुझे पर्सनली, मुझसे पूछेगा तो मुझे साथ होने वाली कोई बात नजर नहीं आई। और कोर्ट का मामला है तो पवन जी बोले कि अब जब वो नहीं मान रही हैं सेटलमेंट पे इस मुद्दे पे, तो अब कोर्ट जो निर्णय लेगा तब। अब यहाँ पे भी हमको लगता है ज्योति ठगा ही महसूस करेगी, क्योंकि चीज़ें प्रेम से समेट लेती तो अब कोर्ट में तो सब जानते हैं कब निर्णय आएगा कब नहीं आएगा, तो तकलीफ बढ़ेगी थोड़ी और क्या। लेकिन कुछ मीडिया में चल रहा है कि आपको पवन सिंह नहीं बुलाए थे, VIP विजेंद्र सिंह बोल रहे थे अपने से बिना मानवी पहुंची थी आपको। अच्छा, आपको लगता है कि बिना मानवी वो चीज़ है कि बिना बुलाए ऐसी मुँह उठा के कहीं पर भी चली जाएगी? पता नहीं क्या बात है। बिल्कुल नहीं, कुछ चीज़ें गुप्त रहनी चाहिए। वैसे गुप्त रहने की बात नहीं है, बिल्कुल मुझे बुलाया गया था और दीपक जी द्वारा बुलाया गया था, समय लेके बुलाया गया था, क्योंकि इतना जो बात फैल रहा था तो बोले कि आप आइए और हमारा पक्ष भी जान लीजिए। जब मैंने बहुत पहले फ़ोन किया था मेरे प्रोग्राम के पहले, तो मैंने बोला कि भाई उनका पक्ष भी जानना है, फिर मैं बिजी हो गई, वो बोले आ जाइए। फिर दीपक जी का फ़ोन आया, दीपक जी से शायद इन लोगों की बातें हुई थी, जिसमें वही 3 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ ये सब चल रहा था। तो वो दीपक जी ने शायद बोल दिया कि अब मैं आपको 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा अब हम लोगों से। वीडियो वायरल हो रहा है, पत्रकार साहब हैं जो गाली गलौज दे रहे हैं आपको पीछे, वो सब चलता रहता है। आप ही का बाइक लिए आप ही को गाली दे रहे हैं लास्ट में, अभी सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, वो सब चलता रहता है। पवन सिंह से मिले, पवन सिंह के साथ टाइम स्पेंड किया, कैसा बिताया? बहुत अच्छे, बहुत हम्बल, जमीन में बैठ के खाना, जमीन में मतलब वो आदमी देखिए थोड़ा सा कहाँ पे फेल मतलब है कि वो ना समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि ऐसे वो हम्बली बहुत अच्छे हैं। और एक बात बताइए, मेहनत की कमाई। कोई आदमी दिन भर, 2 दिन में मैंने देखा कि वो लगातार ये सब हो रहा था, 2 दिन में यही देखने को हमें मिला कि वो कितना अपने आप को खटाता है, कितना तपाता है, किस परिस्थिति में। उन्होंने इसलिए नज़दीक रखा हमें कि वो उनका निजी लाइफ हम जान चुके। कोई व्यक्ति 24 घंटा पसीना बहा के 2 पैसा कमाता है और इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती, तो पूरा हमने सुना कहानी शुरू से लेके अभी तक। तो अच्छा, क्या के बारे में भी जाना होगा आपने? सब जाना भाई, बहुत कुछ जाना, बता दिया जाए सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाए। देखिए कोई को नहीं, कुछ बात पर्दा के अंदर रखिए। बात है कि मतलब खाली पुरुष से गलत होते हैं, महिला गलत नहीं होती है। हम भी महिला हैं, गलत तो होती है ना। देखिए अंदाज क्या बदलेगा, हम आप लोग पे भी आरोप लग रहा है कि उधर से मोटा माल लेकर आए एकदम। हाँ, लेके आए, आपको लेना है क्या? बात ऐसा आरोप लेके पवन सिंह से पैसा, बिल्कुल हमने क्या लिया है वहाँ से, क्या लेके मिला है? जो मान मिला, सम्मान मिला, दर्द मिला। और अगर इसको आप कहते हैं कि, और सुनिए, इतने गिरे हुए ना तो हम हैं और ना वो पवन सिंह है कि वो इस तरह पैसा हमको दिखाएंगे, वो भी हमारा मान सम्मान करेंगे, ठीक है? और ना हम इस तरह के हैं कि चले गए तनी, हम आए हैं आपके दरवाजे, भिखारी समझ के रखे हो। ऐसा कीजिए कि हमारा बैग चेक किया जाए। अच्छा, जो फोटो वायरल हुआ है पैर छूते हुए खाना खाते, उस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? तो अरे एक ये संस्कार है, देखिए हम अक्षरा के भी घर गए थे ना, अब मैं बोलती हूँ, गए थे ना, आराम से जाके हम बैठे और आराम से अक्षरा जी जो हैं वो आराम से आई, हमें लगा किसी स्टार से हम मिल रहे हैं, फील हुआ, आई अपना बैठी, नमस्ते नमस्ते करके अपना कम से कम 15-20 मिनट बैठे होंगे तो उसके बाद उनके दर्शन हुए, तो वहाँ हमें फील हुआ कि हम स्टार से मिल रहे हैं। अब यहाँ तो हमको फील ही नहीं हुआ कि हम पावर स्टार से, तो आदमी मानसिकता नहीं बदलेगी इंसान की। वो अचानक आए और 1:30 बजे रात तक मिली, अरे भाई खाना क्यों नहीं खाए, फ्लाइट लेट ना दीदी, खाना कैसे खाई दीदा, एकदम से वही हाफ पैंट टी शर्ट में थे और पैर छू के प्रणाम करने,
तो फिर चीजें तो बदली नजर आएंगी ही ना। आदमी तो एनालिस, हम गए क्यों थे वहाँ, हम एनालिसिस करने गए थे कि आखिर ये व्यक्ति के पीछे का, हम मैं पहले कभी मिली नहीं थी, तो मिली तो मुझे लगा, लेकिन हम तो सोच रहे थे जाएंगे तो अच्छा कुछ खबर दर्शकों के बीच में रखे हो जाता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक हो जाए, हम जब डालते नहीं एक होते तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग जबरदस्ती अगर वो एक हो भी गए ना तो उनका जीवन जो रेल की पटरी की तरह रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, रेल की पटरी का सवाल ये रहेगा कि क्या आपको पवन सिंह जी ने कहा कि मैडम अब हमारे परिवार के बीच में, हमारे बीच में, ज्योति के बीच में आके आप सोशल मीडिया पे ना बोलिए, हम लोग का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट देख लेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो मैंने आते समय पूछा कि जो बातें मैं यहाँ देख के जा रही हूँ क्या मैं वो मीडिया में रख सकती हूँ, तो उन्होंने सहमति दी। और ये चिड़चिड़ाहट के बाद उन्होंने कहा अब हम कोर्ट से ही समझेंगे दीदी, अब तो जो होते ही कोर्ट में, बाकी आदर मान सम्मान जाइए, आना है आइए, आप मेरी दीदी हैं, दीदी रहे।